तो मुझे माफ कर। ओके स्टैंड बाय। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वेल, काफ़ी दिनों बाद हम अपने सेट पे आए हैं। Exactly. तो एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है और मेरे ख्याल से आप लोग भी सोच रहे होंगे कि समरम हम कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ चली गई हैं। तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपने हमें कितना मिस किया, क्योंकि हम आ गए हैं दोबारा उसी पावर के साथ। Yes. गर्ल पावर। हम आज एक बड़े मज़ेदार से टॉपिक पे आपसे डिस्कस भी करेंगे और बहुत मज़े मज़े की बातें भी करेंगे। ऑब्वियसली ईद आने वाली है, उसकी तैयारियों के बारे में भी बात करेंगे। बहुत मज़े मज़े की तैयारियां चल रही हैं। इनफैक्ट समरा और मैं भी उन्हीं में बिजी हैं, और आप लोग भी बताइए कि कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की। और यू कैन कॉल अस ऑन 02132254673 जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो जल्दी से नंबर डायल कर देना, करना शुरू कर दीजिए और हमें बताइए कि क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तैयारियाँ चल रही हैं, और साथ साथ में जो हम अभी आपको टॉपिक भी बताएंगे आपने उसके बारे में भी हमें बताना है। फिलहाल चलिए जी स्टार्ट कर ही देते हैं, आपको बता देते हैं। आप सब जानते हैं कि रमज़ान का इतना मुबारक महीना होता है कि हर इंसान इसमें इबादत ढेर सारी कर लेता है जो पूरे साल नहीं हो पाती हैं, तो लेकिन इस महीने के अंदर हम लोग कर लेते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी दुआ हम स्पेसिफिकली हर नमाज में, हर दुआ में मांगते हैं। तो आज हमारा भी कुछ यही टॉपिक है कि आप एक कौन सी ऐसी ख़ास दुआ है जो पूरे रमज़ान मांगते आ रहे हैं कि जी वो पूरी हो जाए, या मे बी हो सकता है माहम कि ऐसी दुआ उन्होंने मांगी और वो पूरी हो गई हो। एग्जैक्टली कोई भी एक ऐसी स्पेशल चीज़ जो आपने मांगी हो और वो आपको लगा है कि वो पूरी हो जाएगी, तो आप वो दुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो चाहते हैं कि हर दुआ हमारी पूरी हो, हर हमारी विश जो है वो पूरी हो जाए, अल्लाह हमारी सारी दुआएं सुन लें। लेकिन अब एक कोई स्पेशल चीज़ जो आपने सारे रमज़ान मांगी और आप चाहते हो कि वो अब अल्लाह ताला हमें प्लीज़ मिल जाए, बिल्कुल अल्लाह मिल जाए, और अल्लाह ज़रूर देता है। मेरे ख्याल से ये महीने में कहा भी जाता है कि रमज़ान में जो दुआ आप सच्चे दिल से मांगें वो ज़रूर कबूल होती है। तो अब ये देखना है आप लोगों की कॉल्स पे डिपेंड करता है कि हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ किस दुआ को शेयर करते हैं, आप क्या मांगना चाहते थे जो आप हमें आज बताएंगे। और साथ साथ मैं ये बता दूं, मैंने और माहम ने आपको बहुत मिस किया है। Seriously? ये शो, ये मोमेंट, ये आपसे बातचीत, ये इंटरेक्शन हमें बहुत मिस कर रहे थे। तो फाइनली वी आर हियर, फाइनली यस वी आर हियर, एंड हमने आपको बहुत मिस किया। उसी की एक्साइटमेंट आपको हमारी बातों से पता भी चल रही होगी कि हम कितने अकेले हो गए थे आपके बगैर, आपकी कॉल्स नहीं आ रही थी। अकेलेपन में हम खूब खाते पीते रहे। हाँ, खूब खाया भी हम लोगों ने। वेल, आप हमें जल्दी से कॉल कीजिए और बताइए कोई ऐसी विश जो आपकी, यू वांट दैट विश टू बिकम ट्रू, तो वो हमें आप कॉल कीजिए और जल्दी से बताइए। उसके अलावा समरा से भी हम पूछेंगे और मैं भी आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी विश थी जो हमने पूरे रमजान अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। उसके साथ समरा, अगर एक और बात ऐड कर दी जाए जो कि बड़ी ओबियसली बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, ऐसा होता है कि पीपल से कि you know it is like one sentence ke log kehte hain ki you know सिर्फ रमजान के महीने में मुसलमान हो जाना। हाँ, बस पता नहीं क्यों ये शायद अंदर से हो जाता है कि शायद रमजान का डर हमारे दिमाग में। हाँ, लेकिन क्या आप लोग इस चीज से अग्री करते हैं कि आप लोग समझते हैं कि वाकई में ऐसा होता है कि लोग जो है सिर्फ रमजान के महीने में जो है वो मुसलमान हो जाते हैं? काम करते ना, हमारे कॉलर से पूछ लेते हैं। चलिए, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कौन बात कर रहे हैं? कामरान बोल रहा हूँ जी। कामरान कैसे हैं आप? खैरियत है जी, आपकी दुआएं। ओके जी, ये बताइए कि चांद रात जो है वो कल है और माशाल्लाह से होपफुली बिल्कुल yes. और हमारे रमजान भी अब इंशाल्लाह कल तक एंड हो जाएंगे। मिस करेंगे रमजान को बहुत ज्यादा क्योंकि अच्छा टॉपिक सुना आपने हमारा। हाँ टॉपिक बिल्कुल। क्या कहेंगे इस बारे में? टॉपिक के बारे में तो यही कहना है कि हर कोई जो है ना अपने लिए दुआएं मांगते रहते हैं। सही। आपने क्या अपने लिए खास मांगी दुआ? स्पेशल दुआ थी जो आपने पूरे रमजान अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मेरी बस ये दुआ जरूर कबूल कर ले। कामरान, मैंने तो अपनी सेहत के बारे में दुआ की है। किन के बारे में? सेहत के बारे में। सेहत के बारे में, वाओ वेरी नाइस। चले वैसे ये भी एक बात सही है क्योंकि आजकल सेहतें बड़ी ख़राब हो जाती हैं और पहले एक होता था कि जी बीमारी हम सिर्फ बुढ़ापे में ही आती है लेकिन अब कुछ एज का ऐसा और एक मेरे ख्याल से वक्त ऐसा आ गया है कि बच्चों को भी मैंने देखा है कि काफ़ी ऐसी डिजीज़ होती हैं। तो अल्लाह मियाँ बस उनके लिए हम लोग भी दुआ करेंगे और अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी और सेहत याब रखें। वैसे हाँ जी ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि लोग कहते हैं ना कि सिर्फ रमजान के महीने में मुसलमान हो जाने वाली चीज, तो आप अग्री करते हैं उस चीज से? बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। आजकल तो सारे इसी तरह की काम करने लगे हैं। वैसे सही बात है, ये किसी हद तक हमें भी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो इसी चीज पे हमें गौर करने पर मजबूर कर देती है। वेल थैंक यू सो मच कामरान फॉर योर कॉल, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, तो ये हमारे बड़े अच्छे से कॉलर सबसे पहले कॉलर थे आज शो के, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग ढेर सारी हमें कॉल्स करेंगे क्योंकि बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम लोगों ने रखा है। अक्सर आप दुआएं मांगते हैं लेकिन आज वो सारी दुआएं आप हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं कि ऐसी कौन सी दुआ है जो आप पूरे रमजान मांगते आए हैं और आपने चाहा कि अल्लाह मियां उस दुआ को ज़रूर कबूल करें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक चाहिए।